स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ विंटर का सबसे प्यारा फ्लावर का बल्ब और इसका नाम है डैफोडिल। इसे हम नरगिस के नाम से भी जानते हैं और एक ही स्टिक में 5-6 फ्लावर लगते हैं तो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं और मैंने इस फ्लावर की फ़ोटो ऊपर लगा दी है। तो आज हम इसी के बल्ब लगाएंगे। मेरे पास दो वैरायटी हैं, एक में बड़े बड़े फ्लावर आते हैं वो भी डबल पैटर्न में, एक ही स्टिक में 5-6 फ्लावर आते हैं। अगर हम कलर की बात करें तो 3-4 कलर मिल जाते हैं। और ये दूसरी वैरायटी है जिसमें फ्लावर छोटे होते हैं और ये एक ही स्टिक में 1-2 फ्लावर देता है। कलर की बात करें तो इसमें खाली येलो कलर ही होता है और ये मिल जाएगा आपको किसी भी नर्सरी में, अक्टूबर में या नवंबर में मिल ही जाएगा। अब करते हैं हम इसकी मीडिया की बात। तो इसमें मैंने मिलाया है अपनी खेत की मिट्टी, वो भी 60%, और मैंने मिलाया है इसमें 10% बर्मी कंपोस्ट, उसके साथ 10% मिलाया है इसमें बॉन मिल, और चौथा मैंने मिलाया है इसमें सुपर फास्फेट SSP, और आखिरी में मिलाया है 10% ली मोल। क्योंकि विंटर के सीजन के बल्ब वाले प्लांट को एसिडिक मीडिया पसंद है इसलिए मैंने इसमें लीव मोल्ड डाला है। और आपको ये बता रखा है कि मैंने मेरी खेत की मिट्टी में रेत की मात्रा ज़्यादा है इसीलिए मुझे रेत मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ड्रेनेज होल की बात करें तो इसमें कभी पानी रुकने का सवाल ही नहीं होता, पानी बड़े आसानी से निकल आता है, तभी मेरी मीडिया हल्की और भूरी होती है। और हमें ऐसे ही मीडिया चाहिए इन बल्बों के लिए। तो काम शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए 7 इंच का पॉट लिया है और ये सही रहेगा इसके लिए। हम पॉट में सेंटर में एक होल करेंगे, उसके बाद उस बल्ब को लगाएंगे। बल्ब को पूरा नहीं दबाना, उसे थोड़ा ऊपर ही रखना है जहां से उसकी नई शूट निकलेगी उस हिस्से को, और पॉट में मीडिया दबा दबा के डालना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना बन पाए उसमें। और मैं सभी बल्बों को लगा देता हूँ जल्दी से। अब बारी आती है छोटे बल्बों की जो हम लगाएंगे, और मैंने इसके लिए ले रखा है 8 इंच का पॉट। इसमें लगाएंगे हम 7 करीब बल्ब एक ही पॉट में। इसमें भी मीडिया दबा दबा के डालना है ताकि कोई एयर पॉकेट ना रहे इसमें। इस 8 इंची पॉट में 7 ही बल्ब लगाए हैं इसलिए कि इसके फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं इसलिए, पर ये एक साथ जब फ्लावरिंग करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं, तभी मैं इसे 8 इंची पॉट में लगाता हूँ। और मैं इस बल्ब को भी लगाता हूँ जल्दी से। और मैंने लगा दिए 8 इंची पॉट में सारे बल्ब, और मैं इसे पानी नहीं दूंगा 2-3 दिन, क्योंकि अभी मैंने इसे एंटी फंगस के पानी में डुबा रखा था और आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था। उसके 2 घंटे बाद मैंने ये बल्ब लगाया है और मैं इसे 3 दिन बाद ही पानी दूंगा, वो भी भर के। उसके बाद इसको तब पानी दूंगा जब इसकी मीडिया सूख जाएगी। अभी तो ये मेरे शीट हाउस के अंदर रखा है, जैसे इसमें नई शूट आएगी तो उसे मैं बाहर रख दूंगा जहाँ पे डायरेक्ट धूप लगे, क्योंकि इसे पसंद है विंटर की धूप जिसमें ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, दिसंबर और जनवरी में करता है। अब आपको मैं तब अपडेट दूंगा जब इसमें नई शूट निकल आएंगी। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है नए शूट आने में, 25 या 30 दिन में आ जाती है अगर मौसम सही रहा तो।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।